दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया ने सभी टीमों को कुचलते हुए आखिरकार बड़ी ही शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई है, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचे ट्रेंट बोल्ट के तो बॉल ही बिगड़ गए। उन्होंने 2019 का इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर टीम इंडिया को बाहर करने की धमकी दे डाली है तो करोड़ों भारतीयों के पसीने छूट गए हैं। ऐसे में अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए खुद किंग कोहली ने जो कहा, उनके बीच की करारी जबानी जंग देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों इन दोनों दिग्गजों के बीच मैच से पहले ही छिड़ गई है जंग? बोल्ट के विपरीत विवादित बयान पर कोहली का मुंहतोड़ जवाब भी हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विलियमसन, रोहित और विराट में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों 2023 का वनडे विश्व कप अपने उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद आखिरकार आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है, जहां दुनिया की बेस्ट चार टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अपने जोश जुनून जज्बे से अपने सामने आने वाली सभी टीमों को धूल चटाते हुए उन्होंने हर चुनौतियों को पार किया और अब यहाँ का सफर तय किया है, यानी दुनिया की सबसे खतरनाक चार टीमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की जंग करने वाली है, जहां सेमीफाइनल में इस बार रोमांच की सभी हदें पार हो जाएंगी और खासतौर पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में 15 नवंबर की हसीन शाम में खेला जाएगा और उस शाम में चार चांद लगाने के लिए पूरा स्टेडियम खचा खच भरा रहेगा। और हो भी क्यों ना, इंडिया न्यूजीलैंड की रायबलरी बहुत पुरानी है। ये वही टीम है जिसने 2019 में हमें सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाकर पूरे हिंदुस्तान में आंखों में आंसू ला दिए थे। ऐसे में अब हमारे पास मौका है न केवल पुराना हिसाब किताब चुकता करने का, बल्कि न्यूजीलैंड को धूल चटाकर बड़ी शान से फाइनल में एंट्री पाने और विश्व चैंपियन बनने का, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। इसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने खूब खून पसीना बहाया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सेमीफाइनल का आगाज हुआ ट्रेंट बोल्ट का एक बयान जमकर सुर्खियों में छा गया। उन्होंने अब जो कह दिया उनकी बातें सुनकर हर एक भारतीय दंग रह गया। तो दोस्तों अब बोल्ट का कहना है कि इस टूर्नामेंट से अब तक हमसे कई गलतियां हुई हैं, हमें पहले भी सेमीफाइनल में पहुंच जाना चाहिए था लेकिन हम ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, अब उन पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। एक बार फिर हमारे सामने इंडिया है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेल दिखाया। सच कहूं तो इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए थोड़ा नर्वस हूं, क्योंकि वह कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, भारतीय टीम से चुनौती लेना आसान भी नहीं रहने वाला, लेकिन हमारी भी रणनीति तैयार है। यदि हमसे शुरू में ही उनके दो तीन बल्लेबाजों को ढेर कर लिया तो फिर हमसे भारत जीत नहीं पाएगा। हमें शुरुआत में रोहित कोहली को आउट करना है बस, फिर हम आसानी से उन पर दबाव बनाकर मैच जीत सकते हैं। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं होने वाली। और मैं एक बार फिर से वही कहना चाहता हूं कि 2019 में मैंने किया था और अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलाकर मैं हमारा सालों पुराना इंतजार खत्म करूंगा। तो दोस्तों सच में पोल तो भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा अपमान कर दिया। तो ऐसे में अब विराट कोहली खुद ने जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में अभी तक हमने बेहतरीन खेला है और सभी खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ है। लेकिन वही बात है, एक गलती सब कुछ बिखर जाता है, वह हम नहीं करना चाहते। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उनसे चुनौती लेना आसान नहीं है, वह बिल्कुल मजबूत टीम है। ऐसे में हम उन्हें बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो हमें जरूर जीत दिलाएगा। यदि किसी को लगता है कि वह पिछली बार की तरह हमें जल्दी आउट कर सकते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बार हमारे बल्लेबाज कोई भी भूल नहीं करेंगे। मैं खुद इस सेमीफाइनल में शतक लगाना चाहता हूं और अपनी पुरानी गलतियों को सुधार करना चाहता हूं। यह केवल एक मिस्टेक थी, हम उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों सच में विराट ने अपने तीखे शब्दों से उनकी बोलती बंद कर दी और करोड़ों भारतीयों में जीत की एक नई उम्मीद जिंदा की है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, रोहित कोहली या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।